गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आप सब अपनी मैथ्स की बुक निकालिए। एक्सरसाइज 9.2, हमने अपन ने सेंटीमीटर पढ़ा था, मीटर पढ़ा था ना, डेसीमीटर भी पढ़ा था। अब हम एक्सरसाइज 9.2 करते हैं, ठीक है। कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स एंड फिल इन द बॉक्सेस, ठीक है। हमको क्या करना है, ये जो मीटर है इसको क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 7 मीटर इज इक्वल टू, ये अपना क्वेश्चन है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अपने से पूछा गया है 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 मीटर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 7, 700 सेंटीमीटर। देखिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके देखें, देखिए 7 को 0 से किया 0, 7 को 0 से किया 0, 7 × 7 तो कितना आया, 700। तो 7 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए, 700 सेंटीमीटर हुए। आपको हमेशा ध्यान रखना है मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ओके बेटा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आप इसे कंप्लीट करिएगा, ओके बेटा। अब है नेक्स्ट, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। 7 मीटर 65 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ ये तो अपने पास सेंटीमीटर का सेंटीमीटर है, लेकिन इसमें क्या बोला गया, आपको पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। तो ये जो मीटर है इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको पहले सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो देखिए 7 × 100 × 100 क्यों किया, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 7 × 100 प्लस, अब ये देखिए तो 65 है, तो 65 × 65 सेंटीमीटर क्या, तो ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर जब 7 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 700 सेंटीमीटर प्लस 65 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना आया, 765 सेंटीमीटर। आया समझ में आपको। चलिए नेक्स्ट है 25 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में है, लेकिन मीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में करना है। तो 25 × 100 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 × 100 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर। तो 25 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2500 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर। तो हम जब इनको प्लस किया तो 2590 सेंटीमीटर इसका आंसर आया, ओके। अब ऐसे ही आपको ये सी वाला करना है। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट इनटू मीटर्स एंड डेसीमीटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि वन डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 76 डेसीमीटर दे रखा है, ठीक है, इसको हमको फिल करना है। देखिए 70, ये 70 क्यों आया, क्योंकि 1 डेसीमीटर में कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर वो कहते हैं ना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 70 क्यों आया, 76 है, तो 70 डेसीमीटर प्लस 6 डेसीमीटर। तो 70 डेसीमीटर प्लस 6 डेसीमीटर इज इक्वल टू 7 मीटर 6 डेसीमीटर। क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 70 डेसीमीटर किसके बराबर हो गए, 7 के बराबर हो गए ना, तो 7 मीटर 6 डेसीमीटर हो गया, ओके। ऐसे 89 डेसीमीटर हैं, तो 80 डेसीमीटर प्लस 9, तो 8 मीटर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सी और डी वाला भी करना है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स एंड फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस। अब यहाँ पर 850 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। सेंटीमीटर को, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम 100 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 800 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर है ना, इसको हम करते हैं, तो क्यों 800 का 8 यहाँ 800 आ गया और 50 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 50 क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं,
तो ये तो 50 सेंटीमीटर हो गया, तो 800 प्लस 50 सेंटीमीटर, तो 800 किसके बराबर हो गया, 8 मीटर के बराबर हो गया, और 50 सेंटीमीटर 50 के बराबर हो गया। अगर यहाँ पे 100 होता तो वह हम 1 मीटर कर सकते थे, तो 8 मीटर 50 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब जैसे 500 सेंटीमीटर है, तो 500 सेंटीमीटर प्लस, अब यहाँ पर तो है ही नहीं कुछ भी 500, तो 0 0 लिख दिया हमने, तो 500 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, 5 मीटर के बराबर हो गया, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 5 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको सी और डी भी करना है। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज 9.2 आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ओके, गुड डे।